हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी गाइस? तो आज के ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो गाइस, मैं ना अभी शाम के बज रहे 5 और मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। जैसा कि आप सबको पता ही, मैं यूपी आई हूँ तो मेरा मायका ससुराल दोनों यहीं पर है। तो अभी मैं ससुराल वाले घर में हूँ। तो गाइस, पता है मैं ना सुबह सुबह ना मतलब 4-5 बजे तक मैं ससुराल में रहती हूँ। 4 बजे के बाद मायके जाती हूँ और वहाँ पे 12 बजे तक रहती हूँ, फिर आती हूँ। क्योंकि अभी त्यौहार का भी सीजन चल रहा है, दशहरा है, तो मम्मी के साथ घूमने लग रहे हैं तो टाइम लग जा रहा है। अरे, नवरात्रि के दिन चल रहा है तो कल तो दशहरा ही है, तो आज जाना है मम्मी के पास। तो यहाँ पे मैं ना स्क्रब कर रही हूँ और इसके बाद आप देख सकते हैं मैं ना अपने फेस को लेकर बहुत एक्टिव रहती हूँ। स्क्रब हमेशा करती हूँ, फेशियल वगैरह नहीं करती हूँ। आप लोग हमेशा बोलते हैं कि चेहरे पर हमेशा कुछ ना कुछ लगाती रहती है। हाँ जी, लगाती रहती हूँ, बट देसी चीज़ें लगाती हूँ। हर्बल वाला स्क्रब यूज कर रही हूँ मैं, ज़्यादा कुछ केमिकल यूज़ नहीं करती हूँ। जैसे कि मैं ना कभी, ये देखिए, ये यूबर यूथ का मास्क है, तो ये मैं अभी चेहरे पे लगाने वाली हूँ। आप देख सकते हैं मैंने इसको लगा लिया है गाइस, और ये जब ये सूख जाएगा तो फिर इसे निकाल देंगे। इस तरह से मैं अप्लाई करती हूँ, आप देख सकते हैं। मम्मी जी हमारी, हम लोग घूमने आए हैं। क्या खाएंगी मम्मी? मम्मी व्रत कर लिया, एकदम डाउन हो गए हैं। देखिए, कुछ बोलिए मम्मी, आज व्रत करके डाउन हो गई है, कुछ नहीं बोल रही। बाबू हंस रहे हैं, नानी से हंसी आ रही है, हैं बाबू हंसी आ रही है। नानी के पास चिपको, समझ रहा है तुम्हारी बात, समझ रहा है। नानी समझा रही बाबू को, समझ गया नानी बोली तो। अरे वाह, आग में तो रोज बनाना पड़ेगा गाइस, ये ब्लॉगर बनेगा, कैसे वीडियो बनाओगे? मैं भी तो व्रत की थी, उतने दूर से आई, फिर भी ब्लॉग बनाएंगे। यूट्यूबर बहाना नहीं करता है किसी भी हाल में। वीडियो में ले लेंगे, सब हंसी वाले में ले लेंगे, कोई नहीं लेगा। कॉमेडी शो में जाना पड़ जाएगा, ड्रामा में जाना पड़ जाएगा, कोई बात नहीं। अच्छे से बोल, देख रहे ना बाबू? ये देखिए गाइस, सब आ रहा है, कोई बात नहीं, हंस लो हंस लो, कोई बात नहीं हंस लो। ये देखिए मुँह छुपा रहा है, ये ब्लॉगर बनेगा गाइस, ये शर्मा रहा है। हे भगवान। हे गाइस, देखिए तो मैं ना अपने मम्मी के साथ यहाँ पे माता रानी है ना, काली माता, उनको सजाया गया है हमारे बगल में ही मायके वाले घर से। तो वहाँ पे मम्मी बोली चलो आरती हो रहा है तो यहाँ दर्शन करने। पहले दिन भी आए, मतलब अष्टमी वाले दिन भी आए थे, नवमी वाले दिन भी आए। तो जब मैं मायके आ रही तो यहाँ दर्शन ज़रूर करी हूँ। तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ मम्मी मेरी आरती कर रही हैं और भीड़ बहुत हो चुकी है। ये मतलब छोटी सी मंदिर है, काली जी का शिव परिवार है, तो यहाँ मेरी मम्मी ना किसी भगवान जी के साथ बेईमानी नहीं करती है। आप देख सकते हैं हनुमान जी है, तो उनको भी बत्ती दिखा रही है। उधर शिव गुरु हैं, मतलब शिव जी का परिवार है, और यहाँ मम्मी सोच रही है ना कि काली माता के सामने दीपक रखूं, क्योंकि माता रानी का सीजन चल रहा है और हमारी मम्मी ना इष्ट देवी माता रानी को ज़्यादा मानती हैं। तो आप देख सकते हैं भीड़ में बच बच के बेचारी मेरी मम्मी ने 4 महीने से व्रत किया गाइस, आपको तो गाइस यहाँ पे पूजा हो चुकी थी। इसके बाद ना मैं और मम्मी और मेरा छोटा भाई यहाँ से निकल रहे थे पंडाल, मतलब माता रानी से, और ये यहाँ इशारे कर रहा था। और इसके बाद हमारा डांस शुरू हो गया, तो कीर्तन हो रहा था, सभी ने बोला डांस करो। तो आप लोग प्लीज़ डांस देखिए, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करिए, फुल वीडियो वॉच करिएगा।
पहन गए आप? हम लोग घर पे आ गए हैं मम्मी के घर पे। देखिए मम्मी के घर की दुर्गा जी है। ये देखिए मंदिर है, कितना सुंदर है ना। ये वाला मंदिर मूर्ति देख रहे ना गाय, जो मेरी नानी बनाई थी। मम्मी अभी दिखा रही, देखिए हनुमान दुर्गा जी के दर्शन करिए। हे महारानी सब पे कृपा बरसाइए। ये देखिए ये वाला जो मूर्ति देख रहे हैं आप, मेरी नानी जी ने हनुमान जी को बनाई थी मिट्टी से। हनुमान जी की भक्ति हम नानी जी नहीं रही हमारे, उनकी यादें हैं हम लोग के साथ। देख लीजिए मम्मी यहाँ पे मंदिर में पूजा करने आई हैं। पूजा करिए, अभी हम लोग आए हैं मंदिर से, पूजा करिए मम्मी। व्रत है बेचारे, दिन भर पूजा करती रहती है हमारी मम्मी जी। देख लीजिएगा देख लीजिए, दिन भर पूजा करती रहती है। अपना शरीर को गला दिए पूजा, मोटे होके हो गए हो, करेंगे क्या। मोटा और अच्छी लगे, मोटा होने से क्या फायदा होगा, होना है। गाइस आप लोग कमेंट करें मम्मी जी खाइए मोटा हो जाइए। मोटा हमको अच्छा नहीं लगता है, हमको अच्छा लगता हमको है। नहीं मोटा थोड़ा सा गाल भर जाता। अरे वो हो जाएगा, फीवर हाँ। तो हो गया था हाँ। तबीयत खराब हो गई थी। गाइस आप लोग कमेंट करिए इनसे, अगली बार जब मम्मी आपको ब्लॉग में आए तो मोटी होके आए। आप लोग कमेंट जरूर करिए। अभी चतुर्मासा व्रत में चल रही हूं हां, फिर हम 2 महीने बाद आएंगे तो आपको देखेंगे दिखाएंगे सबको। 2 महीने में मोटे हो जाइए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और आप डांस करके दिखाइएगा। हाँ हाँ बिल्कुल हाँ। बिल्कुल डांस तो मैं कभी भी कर देती हूँ। अरे वाह, अभी पहले आप पूजा करिए। अभी हाँ, आपका डांस तो... आपका डांस देख लिए लो, ब्लॉग में जाएगा वहाँ। हाँ, मंदिर में करी थी मैं कभी भी कर देती हूँ। हाँ करी थी मम्मी डांस। गए गाइस मम्मी ने मंदिर में डांस किया था ना। आप भर भर के कमेंट करिएगा, इतने 4 महीने के व्रत में इतनी ऊर्जा के साथ व्रत की है, डांस की है, कमेंट तो बनता है गाइस। तो गाइज अभी मम्मी मंदिर में पूजा कर रही हैं, तब तक मैं वेट करती हूँ। अभी 9 बज गए गाइज मुझे। अब बाबू यहाँ नहीं रहता है ना, बाबू अपनी दादी के घर रहता है तो इसलिए हमको जाना पड़ता है। तो रात में नहीं रहती हूँ तो वो भी आती हूँ जाती हूँ। बाबू का मन नहीं लगता है ना यहाँ, इसीलिए बाबू अपनी दादी के पास ही रहता है तो इसके लिए जाना पड़ता है। तो अभी मम्मी पूजा करके आ रही हैं तो आप लोगों से बातें कराएंगे। अब भी थोड़ी देर बाद हम निकल जाएंगे यहाँ से। चैनल पे बने रहिए, चैनल पे नहीं हुआ तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, कमेंट जरूर करिएगा। ये देखिए गाइज, ये ना मेरी मम्मी जब जवान थी तब की पिक है, कितनी प्यारी है ना। मम्मी को आशा पारेकर बोलते थे सभी लोग, कोई पहले की एक्ट्रेस है ना उनको बोलते थे, बहुत प्यारी थी। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। तो आज दशहरा की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी मैं मॉर्निंग में खाना बना रही गाइस और आप लोगों को दिखा रही क्या बना रही हूँ। यहाँ देख सकते हैं आज ना हमारे है ना, ये जब भी कोई शुभ होता है त्यौहार होता है ना, बड़े ज़रूर बनते हैं। तो ये ना उड़द दाल के बड़े, देखिए मैंने उड़द को पीसा था, काली मिर्च अदरक डाला था और यहाँ पे बड़े। यहाँ बहुत कम लोग हैं गाइस तो यहाँ कम बनाना पड़ता है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने चावल चढ़ाई है। और गाइस आज विजयदशमी है और आज मेरे हस्बैंड जी की सुबह सुबह तबीयत खराब हो गई है गाइस। मेरे हस्बैंड जी को ना उल्टी आ रही थी तो आज मैंने ना उनके लिए सुबह सुबह खिचड़ी बना ली है, आप देख सकते हैं। और ये आलू का चोखा तो सिंपल ही दूंगी। पता है मेरे हस्बैंड जी ना अपनी तबीयत जान के ख़राब कर रही है, उनको ना खाना नहीं खाते हैं टाइम से, इसीलिए वो हमेशा मतलब उल्टी करने लगते हैं। खाना जब बार सुबह खाना चाहिए तो खाते हैं रात के 12 बजे। यहाँ देखिए इनकी तबीयत खराब हो गई है। ये देखिए गाइस मेरे हस्बैंड जी को सो गए, देखिए बेचारा। गाइस यहाँ पे मैं पकौड़े बना रही हूँ, ये देखिए, ये देखिए मम्मी जी आ गई हैं, बाबू पकौड़े। ये देखिए गाइस बाबू भिंडी देखते ही ना खाने के लिए परेशान हो गए। अरे आज सुबह चावल बाबू खाएगा। ये देखिए गाइस आज दादी बाबू को चावल कढ़ी खिला रही हैं, अच्छा लग रहा है पकौड़ा। का पकौड़ा यहाँ का हर चीज़ अलग, गांव का मजा कहीं नहीं है। सुन लीजिए गाइस मम्मी कह रही हैं हाँ हर चीज़ अलग है गाइस, यहाँ की सब चीज़ अलग है।
यहाँ की भिंडी पतली सी होती है और यहाँ की भिंडी हरी हरी सी। हम तो बीमार पड़ जाते हैं जब ये तो मम्मी तो सेठी नहीं हो पाती कानपुर जाते हैं दिल्ली में दिल्ली के तो पानी हाँ। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं बाबू अपने दादा दादी के साथ खाना खा रहे हैं। ये हमारे पापा मम्मी जी हैं, मदर इन ला फदर फादर इन ला हैं। तो यहाँ बाबू अपने दादा दादी के साथ मज़े से खाना खा रहा है। हमारे पापा जी चावल दाल सब्जी आप सबसे बताए थे ना 9:30 बजे तक पूरा खाना खा लेते हैं फिर इसके बाद। तो गाइस हमारी देखी पकौड़ियाँ रेडी हो गई हैं, आप देख सकते हैं। आप मुझे भिंडी की सब्जी बनानी है तो मैं इसी कढ़ाई में बनाऊंगी। देखिए गाइस तो मैं अभी सब्जी बना रही हूँ, सब कुछ बन गया है और बस जो रोटी खाएगा तो रोटी बनेगी। हमारी सब्जी बन रही है और यहाँ पे चाय बना रही हूँ अपने लिए और यहाँ हस्बैंड जी को चोखा ली। तो गाइस अभी सारा काम हो चुका था, बर्तन रह गए थे तो मैंने सोचा पहले बर्तन धो लेती हूँ और किचन साफ़ सुथरा हो जाता है, सफाई तो अच्छा लगता है, मन रिलैक्स हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने बर्तन धोए। और गाइस आप कैसे हैं आप लोग बताइए, कमेंट नहीं करते हैं आप लोग ना, अच्छा नहीं लगता है। आप सबके कमेंट्स हमें बहुत ताकत देती है गाइस। आप चाहते नहीं हैं कि मैं और वीडियो डालूं, मैं बहुत होपलेस हो रही हूँ। प्लीज़ आप सब वीडियो देखिए बट मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए, अपने ग्रुप में फ्रेंड ग्रुप में शेयर करिए ताकि मेरे थोड़े व्यू जाएं। आप सबसे इसी उम्मीद के साथ मैं यूट्यूब पे आई हूँ तो आप सबसे इतना तो उम्मीद कर सकती हूँ गाइस। तो प्लीज़ आप सब मुझे सपोर्ट करिए ताकि मैं आप सबके साथ डेली व्लॉग ले आया करूँ। और यहाँ पर मेरा बर्तन साफ हो चुका था, इसके बाद मैंने प्लेटफॉर्म तो गाइस यहाँ पे मैंने पोछा लगाना शुरू कर दिया, ऊपर से किचन साफ हो चुका था, इसके बाद पोछा लगाऊंगी पूरे घर में। तो यहाँ मैंने किचन से शुरुआत किया है और इसके बाद नहाने जाऊंगी। तो सफाई मुझे बहुत अच्छी लगती है, आप लोग कमेंट करिएगा कि मैं कैसे काम करती हूँ, अच्छा काम करती हूँ कि नहीं। देखिए गाइस अब मैं अपने कमरे की सफाई कर रही हूँ, तो अभी यहाँ भी पोछा लगा रही हूँ। और यहाँ मम्मी जी मुझे डांट रही थी कि पहले खाना खा लो, खाना नहीं खाती है नहाती नहीं है। तो फिर मैं जल्दी जल्दी करे मम्मी थोड़ा सा लगाना है लगा के अभी जा रही हूँ। तो मम्मी लोग तो बहुत अच्छी केयर करती रहती हैं अपने बच्चों का, मेरी सासू माँ बहुत अच्छी हैं, बहुत ख्याल रखती हैं हमारा, डांटती हैं कि काम ज़्यादा मत करो। तो यहाँ बरामदे में पोछा लगा रही हूँ और मम्मी जी उधर से देखेंगी ना तो मुझे बहुत बोलेंगी कि काम मत करो काम मत करो, चिल्लाती रहती है गाइस मेरी मम्मी जी, मैं क्या करूँ। तो मैं उनसे छुप छुप के काम। हेलो गाइस, तो देखिए यहाँ पे मैं खाना खा रही हूँ, अब भी दोपहर के बज रहे हैं 1 बज रहे गाइस, जब मैंने 2 बजे नाश्ता नहीं किया था, आज मन ही नहीं हो रहा खाना खाने का, भागा दौड़ी हो गई है, रात में सो नहीं पा रही हूँ ना, तो इसलिए मुझे भूख ही नहीं लग रही है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। तो अभी मैं लेके आई हूँ देखिए कढ़ी चावल सब्जी पकौड़ी है, अचार है, भिंडी है। हे गाइस तो मैं अभी देखिए खाना खा रही हूँ, अभी दोपहर के बज रहे 1। गाइस मैंने नाश्ता भी नहीं किया था क्योंकि ना मेरा ना मन नहीं कर रहा था और खाना खाने का भी मन नहीं कर रहा था, बट मैंने दही और अचार लिया है ना तो मैं खाना खा लूँगी। आप लोग को पता है बिना दही और अचार के खाना अच्छा नहीं लगता है मुझे, तो ये ले ली हूँ तो खा लूँगी। और वैसे भी आज मेरा फेवरेट बड़े बने हैं ना तो मैं पक्का खा लूँगी, अगर ये नहीं होता तो मैं खाना आज नहीं खा पाती, मुझे ये बहुत पसंद है। तो अभी खाना खाते हैं, आप लोग भी आइए खा लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने हस्बैंड जी के लिए रोटी बनाने शुरू कर दी है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय गाइस, बाय बाय।